लेके मत आओ, ये क्या बात हुई, रश्मि को लेके क्यों मत आओ? आप बैठो, कोई नहीं, आप जो है आपकी कार्रवाई करेंगे, कोई हम इसीलिए बैठे हैं, कोई ये थोड़ा है। मैं क्या हुआ है बताएंगे, मैं मेरे भाई का मर्डर हुआ है सर, सुसाइड नहीं किया है उसने, उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं किया उसने, ये लोग हमको घुमा रहे हैं। मेरे भाई ने 9 बजे भगवान जाने कल लीक किया है, सुरेश परसों किया है, ये तो नहीं पता, इन लोगों ने हमें शाम को बताया है, जब मेरे भाई को तो हम लोगों को देखने भी नहीं दिया, मेरी माँ को भी नहीं देखने दिया, हमें भी नहीं देखने दिया, मेरे बाप को भी नहीं बताया, और फिर जाके ये कह रहे हैं तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, हम लोगों को तो फेस भी नहीं देखने दिया, किसी को बताया भी नहीं, ऐसे कैसे मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया? भाई का नाम शक्ति नाम है, हम लोग MP से आए हुए हैं, यहाँ पे काम करते हैं, ये लाए तो उसको लालच दे के 15 दिन के लिए 20,000 रुपए देंगे। नहीं भाई, क्या करता था आपका? हमने भेजाया, कुछ भी नहीं करते थे, हमने भेजाया, क्या कोई लेबर का काम करता था? हाँ लेबर का काम करता था, हम लोग ये मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, इन्हें 7,000 मिलते हैं, मैं इनके पास रहती हूँ, एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ, पर मेरे घर में ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं 6 साल से इनके पास रह रही हूँ। मेरा भाई कह रहा था इनसे, मेरे भाई ने बोला था मम्मी मुझे घर आना है, ये लोग पर अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मनीष कहाँ है? क्या रिकॉर्डिंग में क्या बोला उसने? शक्ति ने बोला है, मतलब जो वीडियो कॉल होती है ना, तो उधर की आवाज नहीं आ रही है, इधर की आ रही है, उसने ये बोल रहा है वो कि हमें यहाँ परेशानी हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है, मम्मी मुझे घर आना है, इनने उसे घर नहीं आने दिया, चाहे इनने नहीं आने दिया, एग्जैक्टली क्लियर बात मुझे नहीं पता कि उनने नहीं आने दिया कि किसने नहीं आने दिया, मुझे ये लगता है उसने सुसाइड नहीं कराया, उसका मर्डर हुआ है, उसका सुसाइड नहीं, क्या नाम है, उसने सुसाइड नहीं किया, क्या नाम? शक्ति तोमर। हम लोग MP के हैं फिलहाल, अभी बड़े गांव रह रहे हैं 8 साल से। MP में कहाँ से है? MP में टीकमगढ़। किस वजह से किया होगा इन्होंने, अगर ऐसा कुछ है मुझे नहीं पता, पहली बार आया मेरा भाई, ओनली 15 दिन रहा, 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, वो भी अनजान जगह, ना किसी को जानता ना कुछ, ये लेके आए थे अंकल जी, वो वहाँ पे खड़े हैं। क्यों लेके आए थे? काम के लिए, इनका एक लेबर चला गया था गांव, तो कह रहे थे 15 दिन के लिए लेके आएंगे, तो लेके आए हैं, काम करवाया जाता था। हाँ गाय माय का, इनकी गौशाला है कुछ, तो गाय माय का वो कोई काम करते थे। किया था अब तक? मुझे नहीं पता, ने 5,000 रुपए समथिंग दिए थे, फिर इससे ज्यादा नहीं। इनसे क्या कॉन्टेक्ट है आपका जो आप लेकर आए थे? मेरा इनकी डेयरी मेरी बन रही है, उनकी वहाँ डेयरी मेरी बन रही थी, तो हमने भिजाया लेने को, हम उसकी माँ है, हमने भिजाया, हमने कही कि जाओ तुम्हारी परीक्षा है अभी 10वीं की, तो कह रहे थे मम्मी कुछ पैसे करके ले आए, तो पेपर में हमें पैसे फीस भरना है, तो हमने कि चले जाओ, तो फिर हमने फालतू बैठे दुकान में बैठते, इतने जने हैं तो आप वहाँ कुछ काम कर लो, पैसा बना लो, तो ये साथ में लेके आए, हम कुछ नहीं करा। तो आप माँ हैं इनकी? हम माँ हैं जी। तो क्या 9 साल से हम अकेले कर रहे हैं, खुआ रहे, बच्चों को पाल रहे हैं, पैसे नहीं आते, इसलिए हमने फालतू बैठे तो तुम इसके साथ चले जाओ, तो 10-15 हजार रुपए ले आओगे, आप फीस भर दोगे और कपड़े भी ले लोगे, तो फिर बेटा हमारा चला गया तो वहाँ से उसको पता नहीं, उस वो घर से परेशान है, तो घर से परेशान है, तो वहाँ से, हाँ वहाँ से उन्हें मोबाइल भी फोड़ लिया, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हो, फिर वहाँ से वहाँ मोबाइल फोड़ के वहाँ फेंक दिया उसने, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है दीजिए, इन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम नहीं करी। तो फिर आपके सुसाइड क्यों किया उन्होंने? कैसे सुसाइड क्यों किया? फांसी क्यों लगाया? वो दुखी है तो थोड़ी देना बात से दुख क्या इस बात अब ये तो हमें पता नहीं किसी बात से, यहाँ से दुखी नहीं है तो घर से लड़ाई, अगर बच्चा दुखी होता है तो अपने घर पर तो लड़ाई चलती रहती थी भाई साहब, एक दिन और ये लड़े, एक जगह मंदिर को एक वो लड़े मैनेजर, तो किस बात को लेकर लड़ाई होती थी? अरे छोटी छोटी सी बात, कहूँ खाना के लिए, कहूँ कुछ के लिए, कहूँ पैसे लिए, हमारे हमसे क्यों होती ना, अब घर में जो 5-6 जने हैं तो थोड़ी छुटपुट होती रहती। परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग, हम दो लड़की हैं
हमारी तीन है, एक ससुराल में है। ए, तीन लड़कियां हैं आपकी? हाँ, तो एक बड़ी वाली एक छोटी। हाँ, तीन लड़के हैं। एक जो बीच वाला है मंदिर वगैरह में? हाँ लगे है, ये बीच वाला है, एक छोटा वाला घर है। मंदिर में लगाई है कहीं और लगाई? नहीं, उनने यहाँ पे लगाई, काम करने आया था। किस जगह पर? हमसे पहले बोलता था कि हम मर जाएंगे मम्मी, तेरे से पहले मर जाएंगे, हम तेरे से पहले मर जाएंगे। किस जगह पर लगाई? किस जगह पर लगाई? यहाँ एक गौशाला है, वहाँ लगाई। और कुछ बात नहीं है जी, न कुछ प्रॉब्लम आई। नहीं, इन लोगों ने मारे, इनकी क्या दुश्मनी है, हमारे बेटे को मारेंगे जी। तो आपकी बेटी ये बात क्यों बोल रही है? वो तो कह रही है कि भई वो तो कुछ घर में झगड़ा मचाती थी वो बेटी, टाइम से बच्चे को खाना नहीं, आज के दिन आज दिन एक दिन झगड़ा नहीं तो दूसरे दिन झगड़ा, ससुराल से बैठी है वो परेशान करती घर है। ये शादीशुदा है आपकी? हाँ शादीशुदा है, हम खुद परेशान है। नहीं, तो उसका भाई गया है तो ये भी फांसी लगा लेगी तो मैं क्या करूं? उसका भाई गया है तो वो ऐसे फांसी लगाने का क्या क्या क्यों सोच के ऐसा बोलेगी? ए, पता नहीं क्यों, उससे पूछो। एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। सर ये जो मामला फांसी का है, क्या कुछ इसमें कहना? क्या जानकारी? नहीं सर, इसमें कुछ जानकारी, हमने FSL टीम को बुलाया था जो उन्होंने उसका पूरा निरीक्षण किया है। क्या नाम है मृतक का? शक्ति है। शक्ति पुलिस ने उतारा सर? हाँ पुलिस ने उतारा, FSL टीम आई थी, FSL टीम ने उतारा उसको। कौन सी जगह? किस जगह? ये दादूपुर है सर। कब की बात है सर? ये सर्कल की बात है, 2:30 बजे हमें सूचना मिली, जिस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे तो हमने FSL टीम को बुलाया। तो दादूपुर कहाँ, कौन से स्थान पे सर? ये सर ये डायरी है सर। डायरी में? हाँ डायरी में मजदूरी का काम करता था, जो की पढ़ता था ठीक था, लेकिन क्या कुछ उम्र? उम्र 19-21 साल होगी सर। रहने वाला कहाँ का? रहने वाला सर UPMP बागपत का था। बागपत बताया शक्ति। तो किस समय फांसी ली थी इसने, किस समय की जानकारी मिली थी? सर ये जानकारी तो हमें 2 बजे है। 2 बजे रात? हाँ, जो वहाँ मजदूर थे ना सर, तो उन्होंने 1 बजे उन्होंने देखा पीछे से, भाई जब मजदूर वो नहीं आया। अरे दिन की बात है। हाँ ये सर कुछ नहीं है ये। तो यहाँ पर आपने मामला देखा, जो कि एक माँ है, उनका कहना है, आपने साफ तौर पर देखा कि उनके बेटे ने फांसी ली हुई है, लेकिन उनकी जो बहन है उनका कहना है कि किसी ने उसे मारा है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल हमने बात करने का तो यही प्रयास किया, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और बता रहे हैं कि फांसी ले ली थी शक्ति ने, और MP से आया हुआ था, यहाँ पर मजदूरी का काम करता था दादूपुर गाँव के अंदर। और फिलहाल बता रहे हैं कि कोई भी सुराग ऐसा अभी तक मिल पाया या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन माँ का कहना कुछ और है और बहन का कहना कुछ और है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि दूर से मेहनत मजदूरी करने के लिए परिवार के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। और आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।